चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी घी का पूजन में व्रत सुहागनी स्त्री अपने पति के लिए दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में भी मानव ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक बिछाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया। उसने अपने रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से यह इंद्राणी और आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवाचौथ व्रत बिना चंद्रमा के अर्घ दिए दे दिए था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम बारह माह के चौथ के व्रत में करवाचौथ को श्रद्धा और भक्ति के करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक बारह माह के चौथ और करवाचौथ व्रत को बड़ी भक्ति पाल सके और इन व्रतों को प्रभाव से उसका पति पुनर्जीवित। उसी दिन से यह करवाचौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। माता ऐसे सुनने वीरावती की शक्ति वैसे सबके पति रक्षा करना।